हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा सवाल है, एक्स माइनस वन अपॉन टू से डिवाइड करना है 8x³ प्लस 16x² प्लस 4x-2। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है। देखिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 8x³ है, तो हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगी ताकि 8x³ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्स माइनस वन अपॉन टू इसमें मल्टीप्लाई करना होगा कि ताकि 8x³ प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स है और हमें x³ लाना है, तो x² से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x³ प्राप्त होता है, लेकिन हमें 8 भी लाना है तो यहाँ पर 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसी 8 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर 8x² है, या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x³ होगा माइनस यहाँ पर 8x² इंटू में 1/2, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 8x³ माइनस 4x². ठीक है, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 8x² और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होता है 8x³ और माइनस में 4x², तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4x². और अब देखिए यहाँ पर हमें माइनस करना होता तो ये माइनस करेंगे, और ये पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 16 में से 4 सबट्रैक्ट करने पर 12, और x² का x² रहेगा प्लस में यहाँ पर 4x माइनस में 2। अब देखिए सेकंड टर्म हमारा था, ये आ गया है, अब इससे हमें लाना है तो 12x², यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि 12x² आ जाए। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x माइनस 1/2, इसे अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो x² हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर इसका और 1 पावर इसका दोनों मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमें 12 भी लाना है तो हम 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² माइनस ये हो जाएगा 12x इंटू में 1/2, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 12x² माइनस 6x आएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, और ये 12x² यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 4x, माइनस 4x हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में, और सेम सेम है। यहाँ पर ये आया हमारा 6x है, अच्छा ये 6x है यहाँ पर, तो 6 और 4 मिलकर के 10x हो जाएगा और माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पर हमें 10x लाना है तो किस इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी x माइनस में 1/2 और इसको मल्टीप्लाई करके 10x लाना है। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x माइनस 10 इंटू में 1/2, और 2 से ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 10x माइनस में 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त हुआ 10x माइनस में 5, ये माइनस होगा और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस और माइनस ये 2 से जब 5 से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारा 3, ये रिमाइंडर होगा और यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल कम्प्लीट हुआ।